हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, इस बेल को दबाइए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिले। आज बनाने जा रहे हैं मेथी पराठा। पहले मेथी पत्ते को छोटे छोटे करके काट लेंगे। बारीक कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च लेंगे। 1.5 कप आटा ली हूँ, नमक स्वाद अनुसार लीजिए। अजवाइन कसूरी मेथी लेंगे और तेल लेंगे। एक बर्तन में आटा डाल दे। मिर्चों में गड्ढा बनाकर अजवाइन डाल दे, नमक डाल दे, 2 से 3 चम्मच तेल डाल दे। अच्छे से मिक्स कर दे। आमचूर पाउडर डाल दे, ये ऑप्शनल है। कसूरी मेथी डाल दे, लहसुन हरी मिर्च और मेथी पत्ते को भी डाल दे। सारे चीज़ों को मिला दे। थोड़ा थोड़ा पानी दे के आटा को गूंदना शुरू करेंगे। अच्छे से मसल मसल कर डो बनाएंगे। डो बनाकर 15 मिनट के लिए कवर ढककर छोड़ दे। डो से एक लुई लेकर पेड़े बना ले। एक पेड़े को लेकर थोड़ा थोड़ा आटा छिड़क कर पराठा बनाएंगे। आप पराठा को गोल शेप या ट्रायंगुलर शेप में बना सकते हैं। सारी पराठे बेलकर तैयार हो गया है। गैस के ऊपर तावा चढ़ा दे। तावा गर्म होने के बाद पराठे को डाल दे तावा के ऊपर। दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे और थोड़ा थोड़ा तेल डालकर अच्छे से पराठा बनाएंगे। तावा बड़ा होगा तो आप दोनों पराठा एक ही साथ सेक सकते हैं। दूसरी पराठा को सेक के रेडी कर लेते हैं। हमारा बन गया है मेथी पराठा। मनपसंद चटनी के साथ मेथी पराठा को सर्व कीजिए।